हेलो दोस्तों, स्वागत है आईऑप्स हिंदी पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बिगिनर्स हैं, या फिर ऑप्शन चेन को अच्छे से देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे ऑप्शन चेन ही दिख रहा है। एनएससी का ऑप्शन चेन है, मैं क्रोम से इसको लॉग इन करके एनएससी के ऑप्शन चेन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोस्तों देखो, ऑप्शन चेन बहुत बड़ा एक डेटा का सोर्स है बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में बहुत सारी डेटा दी हुई होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एनएससी के साइट पर आओगे या फिर आप अगर अपने ऑप्शन चेन डीमेट अकाउंट के ऑप्शन चेन में जाओगे तो वहाँ पर आप जाओगे ना तो देखोगे बहुत सारा डेटा है। तो उन सारा डेटा जो है, जितना सारा डेटा उस पर दिया हुआ होता है, क्या उनका सारा काम है, या अगर काम है तो हम किस तरह से उसको अपने काम में ले सकते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दूंगा आज की वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कोई भी कमिटमेंट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो का मेरा टारगेट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि 1000 लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी देखोगे कि सिंपल, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको इसके बारे में डिटेल्स बता दूँ कि ऑप्शन चेन में सबसे पहले क्या होता है, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक के ऑप्शन चेन को जब चेक करोगे तो सबसे पहले होता है एक्सपायरी। देखो फिन निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में ओनली एक ही एक्सपायरी होती है, वो होती है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। मंथली एक्सपायरी होती है, एक ही एक्सपायरी होती है, या फिर आप उसके अगले मंथ का ले सकते हो, उसके अगले मंथ का एक्सपायरी ले सकते हो। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो होता है वो होता है वीकली एक्सपायरी भी, यानी कि वीकली मंथ के 3 थर्सडे को वीकली एक्सपायरी हो जाएगा और जो लास्ट थर्सडे होगा वो होगा मंथली एक्सपायरी में। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि आपको किस एक्सपायरी का ट्रेड लेना है, तो उसी एक्सपायरी का ऑप्शन चेन को आपको सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है। आप किसी भी एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ट्रेड लोगे जिस एक्सपायरी का तो उसी एक्सपायरी का आपको डेटा को देखना है, समझ गए, ठीक है। अभी देखिए एक्सपायरी समझ गए। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, तो इसमें दो डेटा होता है, एक होता है कॉल का, एक साइड होता है कॉल का और एक साइड होता है आपका पुट का डेटा। और ये पुट जो होता है, ये पीई जिसको हम लोग कहते हैं पुट यूरोपियन, सीई मतलब कॉल यूरोपियन, ठीक है। कॉल हम तब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट तब हम खरीदते हैं जब मार्केट नीचे आता है। अगर आप सेलर हैं तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, पुट को सेल करोगे, और अगर आप मार्केट नीचे जाएगा तो अब आप कॉल को सेल करोगे, यानी कि बायर और सेलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें, हम एज ए बायर एज ए सेलर जो भी हैं, हमें इसमें कॉल और पुट ये दो चीज़ देखना है। कॉल के तरफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, पुट के तरफ सपोर्ट, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो सपोर्ट लेगा, तो सपोर्ट जहां पे लेगा उस जगह पे पुट के साइड कितना ओपन इंटरेस्ट ओआई बिल्डअप है, ठीक है, और कॉल के साइड कितना ओआई बिल्डअप है। ऑलरेडी मैं इस पर एक बढ़िया सा वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ऑप्शन सीरीज के प्ले लिस्ट में है, काफ़ी ज़बरदस्त प्यार मिला उस वीडियो को, अगर आप देखे हैं तो ये वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी मस्त वीडियो है, ठीक है। ये समझ गए कि कॉल और पुट का क्या मतलब है। अब देखो कॉल और पुट दोनों तरफ कुछ डेटा होता है, आप ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है स्ट्राइक, ठीक है। अभी आज के डेट में निफ्टी कितना चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है निफ्टी कितना है, 17412 पे क्लोज हुई है। आज फ्राइडे है और फ्राइडे 10 मार्च 2023 का दिन है, ठीक है। तो निफ्टी 17412 क्या हुआ, एक स्ट्राइक प्राइस हुआ और ये 17412 पे अभी क्लोज है। तो जो ये स्ट्राइक है ना, ये स्ट्राइक का मतलब ही वही है, जैसे 15800 यहाँ पर दिखा रहा है, 15850, 900, इसी तरह करते करते 17450 तक गया होगा। तो स्ट्राइक प्राइस में एक होता है ITM यानी कि इन द मनी प्राइस, एक होता है ATM यानी कि एट द मनी, एक होता है OTM यानी कि आउट द मनी, समझ गए। अब ITM का मतलब हो गया इन द मनी प्राइस, एट द मनी प्राइस और आउट द मनी प्राइस। इस पे मैंने काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो बना के रखा हूँ, ऑलरेडी ऑप्शन सीरीज में है, जाके वो भी देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बता दूँ कि जैसे अभी 17400 निफ्टी क्लोज दी है ना, यहाँ पे आप देखो निफ्टी 17450 यानी 17412 पे क्लोज हुई है, तो अभी निफ्टी 17400 जो है वो है एट द मनी, मान लो 17450 को एट द मनी प्राइस, और उसके नीचे 17300, 17200, 17100 वो क्या हो गया इन द मनी प्राइस, और उसके ऊपर 17400 के ऊपर
यानी जो ये है इसके ऊपर क्या हो जाएगा 500, 600, 17,800 ये सब हो जाएगा आउट द मनी प्राइस। जितना दूर जाइएगा उतना दूर का आउट द मनी प्राइस, जितना नीचे आइएगा उतना नीचे का इन द मनी प्राइस। समझ गए, क्लियर है? ये स्ट्राइक प्राइस है, तो स्ट्राइक प्राइस में कॉल का भी होगा और पुट का दोनों का होगा। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ओआई। ओआई के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट, ये होता है चेंज इन ओआई, यानी कि सुबह 9:15 बजे से लेके अभी तक कल के डेटा में, कल के ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है वो दिखाएगा। उसके बगल में दिखाएगा क्या आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है वो दिखाएगा। उसके बगल में देखो आई भी है, इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉलीटिलिटी को दर्शाता है, जिस स्ट्राइक प्राइस का वॉलीटिलिटी बढ़ा हुआ है उसमें वॉलीटिलिटी का चांसेस होता है, और जिसमें इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी घटा हुआ है उसमें जो है ज़्यादा वॉलीटिलिटी आने की चांसेस नहीं होती है। इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी क्या है इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, आप ऑप्शन सीरीज में जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। अगर उसके बाद देखोगे तो LTP, LTP का मतलब हो गया प्रीमियम, ठीक है। जो प्रीमियम यानी 17,400 एट द मनी है, तो वो आपको अगर कॉल का खरीदना है तो कितने में खरीदोगे वो हो गया प्रीमियम LTP। उसके बाद हो गया चेंज, यानी कि सुबह 9:15 बजे से लेके जितने बजे आप देख रहे हो लाइव मार्केट में उतना, यानी कि सुबह 9:15 यानी कल 3:30 बजे ये LTP ये प्रीमियम कितने रुपये पर बंद हुई थी, और सुबह 9:15 से अभी तक कितना रुपया बढ़ा है या घटा है। बढ़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस, ठीक है। उसके बगल में देखोगे आप ऑप्शन चेन NSE पे, तो एक बीड क्वांटिटी है, बीड है यानी बीड क्वांटिटी का मतलब हो गया कि बायर जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाए हैं और उसका प्राइस कितना रखे हैं, 1579 जैसे इसमें दिखा रहा है और 1800, यानी कि बीड क्वांटिटी क्या है, 1800 क्वांटिटी में बायर 1579 रुपये के भाव पे अपना ऑर्डर लगाया है, ठीक है। उसके बगल में देखोगे आस्क, आस्क और आस्क क्वांटिटी, यानी आस्क का मतलब है कि प्राइस और आस्क क्वांटिटी का मतलब है, क्वांटिटी का मतलब कि ये सेलर जो है वो 3600 क्वांटिटी में पूछ रहा है कि भाई 1653 रुपये के भाव से मैं बेचूंगा, 3600 का क्वांटिटी में यहाँ ऑर्डर लगा हुआ है, और बीड में 1579 पर इसी स्ट्राइक प्राइस को 1579 में खरीदना चाहता है 1800 क्वांटिटी में, लेकिन ये 3600 क्वांटिटी है लेकिन इसका रेट जो है वो 1653 का है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आता है, तो यही सेम डेटा आपको अपोजिट साइड आपको क्या होगा पुट में भी मिल जाएगा, बीड क्वांटिटी, बीड आस्क, आस्क क्वांटिटी। उसके बाद बगल में देखोगे तो चेंज है, LTP है, IV परसेंटेज, उसके बाद देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम और OI, ये हो गया आपका पुट के साइड, उधर हो गया आपका कॉल के साइड, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको अवेलेबल होता है आपके डीमैट अकाउंट के ऑप्शन चेन में भी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से डेटा है वो मैं आपको अपने एंजल ब्रोकिंग के ऑप्शन चेन पर ले जाके दिखाता हूँ, और काफ़ी ज़बरदस्त डेटा है और आपको लाइव मार्केट में काफ़ी सपोर्ट करती है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। दोस्तों अब हमारा देखो एंजल ब्रोकिंग कह लो, एंजल वन कह लो, उसका डीमैट अकाउंट का इंटरफेस ओपन हो गया। अब मुझे निफ्टी पर देखना है तो या निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो अब मुझे निफ्टी पर अगर देखना है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी देखना है तो मैं निफ्टी पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन चेन है यहाँ पे नीचे साइड में, चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों है, तो हमें चार्ट पे नहीं, हमें ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। तो ऑप्शन चेन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन इस तरह से ओपन हो जाता है। अब जैसे ही ऑप्शन चेन ओपन होगा तो यहाँ पे देखोगे ये हो गया आपका नज़दीक का एक्सपायरी 16 मार्च का, 23 मार्च, इसको स्लाइड करते जाओगे नेक्स्ट एक्सपायरी आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉल, ये हो गया पुट, एक जिससे एकदम मस्त डेटा आपको बना के दे रहा है सामने। देखो अब इसमें आपको कॉल के साइड, पुट के साइड, ओआई ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी है, चेंज परसेंटेज LTP में, यानी कि LTP यानी वही आपका प्रीमियम हो गया कि जो स्ट्राइक प्राइस है 17,250 का 42 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम में यहाँ पे दिखा रहा है और परसेंटेज दिखा रहा है कि सुबह 9:15 बजे से अभी तक में कितना परसेंटेज घटा है या बढ़ा है। उसी तरह कॉल के साइड में देखोगे 210 का है यानी -43 है, जिसका मतलब है कि आज सुबह 9:15 बजे से अभी तक में -43% आज कम हुआ है ये कल के क्लोजिंग प्राइस से। LTP OI देखो 3 लाख है, ठीक है। तो ये डेटा आपको यहाँ भी मिल जाता है, NSE ऑप्शन चेन में जाने की जरूरत क्या। अब इसको देखो अंदर की ओर सेलेक्ट करेंगे तो OI चेंज परसेंटेज देखो ये आपको मिल गया, यहाँ पे OI है, चेंज परसेंटेज है, ये भी आपको देखोगे कॉल के साइड पुट के साइड दोनों है। अब इसको मैं और अंदर करूँ थोड़ा सा, देखो इसको और मैं अंदर की तरफ स्लाइड करूँ तो देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे OI चेंज परसेंटेज में भी दिखा रहा था, अब यहाँ पे क्वांटिटी में भी दिखा रहा है, प्राइस चेंज, OI चेंज, प्राइस चेंज, कॉल पुट दोनों के साथ दिखा रहा है। इसको थोड़ा और अंदर करोगे तो देखो आपको NSE में क्या दिखा रहा था, वॉल्यूम भी दिखा रहा था, यहाँ भी वॉल्यूम है, कॉल पुट दोनों साइड में, IV इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी NSE पे भी यहाँ भी दिखा रहा है, तो यहाँ भी इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी देख सकते हो। देखो
आपको एनएससी पे डेल्टा उस स्ट्राइक प्राइस का नहीं दिखा रहा था, ठीक था, नहीं दिखा रहा था, लेकिन आपको अपने एंजल ब्रोकिंग के ऑप्शन चेन में जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं उसका थीटा देख सकते हैं कि कितना मेरा माइनस होगा, कितना मेरा डीके होगा, और डेल्टा देख सकते हैं कि आपका अगर मार्केट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ये आपका थीटा, डेल्टा, गामा, ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है मेरे ऑप्शन सीरीज के प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वहाँ जाके जरूर आप देखें, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है। अभी देखो इसके अंदर करेंगे तो यहाँ पे आपको गामा और वेगा दोनों चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं दिखाता है, सिर्फ वो बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, आस्क और बिड, यानी कि सेलर का और बायर का डाटा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वहाँ पे मान लो कि सारा डाटा दिखा रहा है, लेकिन हमें जो ऑप्शन चेन है मेरा, जैसे कि मान लो ये मेरा ऑप्शन चेन है, अब इसमें मुझे पूरे ऑप्शन चेन का थोड़ी देखना है, मुझे तो मान लो कि जो भी 2-400 पॉइंट ऊपर का है, ये जो यहाँ पे मान लो 17,412 पे क्लोज हुई है, ये 2-400 पॉइंट ऊपर नीचे का ही हमें तो चेक करना है। तो हमें आस्क एंड बीट क्वांटिटी देखने के लिए ऑर्डर बुक में चले जाएंगे। ऑर्डर बुक में अगर मान लो अभी 17,412 है और यहाँ से आपको 17,450 या 17,500 का कॉल या पुट बुक भी खरीदना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कॉल में खरीदना है तो कॉल में जाके देख लोगे, तो यहाँ पे आपको देखो ऑर्डर बुक मिल जाएगा लाइव मार्केट में कि ये आपको ओपन है ना, क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल प्राइस, क्वांटिटी, यानी ये सेलर का प्राइस है और क्वांटिटी है, ये बायर का क्वांटिटी है और ये प्राइस है। तो यहाँ पे भी आपको टोटल क्वालिटी क्वांटिटी दिख जाएगा, सेलर का कितना है, बायर का कितना है। तो इससे भी आप ऑर्डर को लाइव मार्केट में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायर का दबदबा है कि सेलर का दबदबा है, सिंपल है। तो ऑन एनएससी ऑप्शन चेन पर जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे ऑर्डर लगाएं, यहीं पे आप ऑप्शन चेन देखें, चार्ट देखें, कोई दिक्कत नहीं है। एंजल ब्रोकिंग काफ़ी ज़बरदस्त अप टू डेट किया है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। ठीक है, देखो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय ऑप्शन चेन में आपको OI आपको देखना है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये तो समझ गए। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के आपको दिया हूँ, ऑप्शन सीरीज के प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से थोड़ा सा विजिट करोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंपल मैं बताऊँ कि किस किन चीज़ों पे लाइव मार्केट में ध्यान देना है, OI, उसके बाद इधर देखो OI चेंज परसेंटेज या फिर क्वांटिटी, या परसेंटेज देखोगे ज़्यादा बेटर है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे, कॉल के साइड, ये कॉल, ये पुट, अब इस कॉल या पुट में किस स्ट्राइक प्राइस पे जो है क्या हो रहा है, कॉल के तरफ OI चेंज हो रहा है ज़्यादा कि पुट के तरफ OI चेंज हो रहा है ज़्यादा, परसेंटेज में या क्वांटिटी में। उसके बाद आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है क्या, वॉल्यूम कितना है, अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ध्यान से रखना, जिस समय वॉल्यूम नहीं रहेगी तो मार्केट रेंज बाउंड में भी खतरा होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है इम्प्लॉयड वॉलीटिलिटी, जो आपके प्रीमियम को दर्शाता है, अगर इम्प्लॉयड वॉलीटिलिटी बहुत अच्छा है, बढ़ा हुआ है, तो फिर मार्केट में वॉलीटिलिटी आने का चांसेस हो जाता है, और घटा हुआ है तो फिर मार्केट में आपकी प्रीमियम ज़्यादा स्पीड में बढ़ती नहीं है। तो इम्प्लॉयड वॉलीटिलिटी के ऊपर भी वीडियो है, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेल्टा के बारे में बता ही चुका हूँ कि डेल्टा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहेगा कि 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो अगर इसमें 17,400 का देखें तो 17,400 ये स्ट्राइक प्राइस है, और इसका डेल्टा देखेंगे तो अभी 0.59 है, यानी कि अगर 100 पॉइंट बढ़ता है रेगुलर तो यहाँ पे 60 रुपये के आसपास इस प्रीमियम में बढ़त होगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन चेन में इस इंपॉर्टेंट डेटा को समझ सकते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा, बेगा, ऑप्शन ग्रीक्स के ये पार्ट है, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं आगे एक अच्छे से वीडियो से के माध्यम से आपको ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को सपोर्ट करें, लाइक फॉलो कर दें, और अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। काफ़ी ज़बरदस्त जानकारी देने की कोशिश किया हूँ।